हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो भाई आज कई काम निपटाने हैं। एक तो मैंने लाइसेंस बनना दिया था, तो लाइसेंस लेकर आने हैं। एक दो अगर दो तीन है लाइसेंस, अगर देखेंगे जितने भी बने रहे होंगे उतने लेकर आऊँगे। और कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है रिलायंस में कहे या विशाल मेगा मोट में कहे सोनीपत। लेकिन चलने से पहले मास्क जरूरी है, तो कुछ भी हो भाई कहीं बाहर जाओ तो मास्क जरूर लेकर चलो, और साथ के साथ सैनिटाइजर जो कि गाड़ी में रखा है। तो चलो चलते हैं। इसने देख भाई, इस तो मैंने नौकरी चालन की। और कई भाइयों का कहना ये भी होगा कि आप तो वकील हो तो आपको तो सिर्फ कोर्टा में केस लड़ने चाहिए। देख भाई, केस भी लड़ूंगा, अगर कोई केस आवा है तो उसने हैंडल बढ़िया तरिया करूँ। पर अगर किसी भाई ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या कुछ सरल केंद्र में कुछ भी काम हो, क्योंकि यार कोर्ट के बराबर में सरल केंद्र है, तो कुछ भी काम हो तो मेरे तो बता सकता है। कोर्ट में लाइसेंस बनवाना हो या कुछ और एसपी ऑफिस का काम हो, डीएसपी ऑफिस का काम हो, कुछ भी तो मैं कर सकूं। क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि सिर्फ मेरे पास कोटा है काम रहे। अगर ये लाइसेंस बनवाना है या कुछ और हो, आरसी ट्रांसफर करवानी, तो वो भी काम मैं करवा दिया करूं भाई। कालून आइडिया केयर माना था भाई, इसके दोस्त ने पागल काट दिया। अरे काट दिया के मास्क का और खर्चा करा दिया भाई। 30 रुपये के मास्क आए हैं, 20 के, ना भाई 20 के 3 आ गए, 20 के 3 आए हैं। करा दे दूँ चौकस। अतुल ने रिलायंस में जाना भाई, मेरा बड़ा भाई है, इसने रिलायंस में का कुछ सामान लेकर आना है। जो भाई जाम लग गया है, चक्का जाम लग गया है, देख लो भाई लॉकडाउन में भी जाम लग गया। गरीब जोधा खान वाले हैं वो देखियो भाई, लेफ्ट में है, यो लेफ्ट में गुरुद्वारा भाई, वो देखियो। ये बंद भी सके, ये देखो भाई गिलास के ऊपर खंड रहे हैं, पीपी बगा दिए लोग ना। देखा भाई कुकर, मतलब नुआ खुल्या पानी प्यावा है ना, को हाथ में ग्लव्स है ना कुछ है, और जो गिलास है पीपी का सब वहीं पे अपना गिरन लाग रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा भाई यो लॉकडाउन है या कोरोना वायरस है तो किसी का नुकसान पहुंचेगा। अगर बाई चांस जितनी भी भीड़ है उनमें किसी एक का भी पा गया और वो गिलास पी का वहीं गिरन ला गए, और वे सारे उसमें आगे कॉन्टेक्ट में उसके जिसका कोरोना वायरस है, तनु देखो भाई कितना फैल जाएगा। सोनीपत, सोनीपत में पहला ये कम से कम हो गए होंगे अड़ू 150-200 के हाँ, करीब थे। 160 केस हो हाँ रहे देख लो भाई, इतने केस हो रहे हैं 160 के करीब, 3-4 मर नहीं लिए, और मानते नहीं, देख ले फिर भी भाई। चलो दान थोड़ी पुण देर करे, बात कर लियो कि साधारण पुण पानी पाना वो कुछ पैकिंग का पैकिंग सुन चान बांट दियो है। हाँ वो है तो दान पुण कर रहे हैं, पर बाकी नू नहीं कि भाई वो पैकिंग का सामान लो, कुछ भी खान पीन का एक पैकिंग कर कर अपना जब बांट दे। मैं भाई कितनी भीड़ है लाइन देख, कम से कम कितने जने होंगे खड़ू जगण लू 15 जने है भाई पूरे, 15 जने है भाई। अरे आई गया है, अरे नु मान लो भाई कम से कम 6 फटका वो होगा डिस्टेंस, होगा 6 फटका था भाई, 6 फटका डिस्टेंस है भाई, 6 फटका डिस्टेंस है। और भाई मतलब सेफ्टी पूरी है, हाथा में ऊपर नहीं पहन तक दे हैं, और सही है। अगर कोई भी सोनीपत का अपना भाई है तो बेसिक रिलायंस में आकर सामान ले इसको, पर भाई टाइम सबसे ज्यादा लगेगा यहाँ पर, टाइम लग जाएगा कम से कम 2-2.5 घंटे पर भाई रहना पड़ेगा भाई। और पर पैकिंग की चीज लियो, जो भी लो खुली चीज मत लियो भाई, तो सामान लेके आओगा वो
उसके बाद फिर हम एक बार कोर्ट में जाऊंगे, लाइसेंस उठाऊंगे और थोड़ा बहुत एक बार चैम्बर ने भी देखा होंगे क्या हाल है की ना है चैम्बर के। भाई जिस बंदे से मिलना था उड़ा कोर्टा में जाना था वो आया नहीं, और फोन करा था ही बोला भाई कल आऊंगा, तो यार बेकार हो गया आना। पर कोई बात ना, बेकार तो की है, अपने नुए सामान तो लेना है ये, तो ठीक है यार अपने सामान ले लेंगे फिर अपना घर चलेंगे। कड़ून आइडिया में का केयर उस टाइम तो बंद था, लेकिन अब दूसरा जो केयर है यहाँ पे रिलायंस के बिल्कुल फ्रंट में है, तो उसमें जा रहा है तो वो भी अपना काम निपटा लेगा। बिलिंग की शम है तो कैश में करवानी है उसने, भाई बहुत ज़्यादा बहलाव है उनका, तो इस वजह से तो उसने कैश में करवानी है, तो वो वहाँ चला गया। भाई मैं अपना गाड़ी में बैठा हूँ एसी चला गए, और कुछ है नहीं भाई काम करना, बस कुछ भी नहीं है। मतलब जब तक तो ये कोर्ट बंद हो ना ऐसा लगा जुड़ू यार कुछ है ही नहीं काम करने है। पर नुआ चलो 31 मई के बाद खुल जाएंगी, तो अपनी सेफ्टी के साथ अपना बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे यार भाई, बढ़िया अपने सेफ्टी रखेंगे और बढ़िया अपने रुपया कुटेंगे। मजाक करूं भाई, नुआ अपना जायज लेने चाहिए रुपये, ना कोई गरीब आदमी होता तो 2 रुपये कम ले ले यार, कोई ठीक सा होता भाई 2 रुपये ठीक ले ले, तो यो ही होया करें ठीक है ना। और भाई कतिया नू हो कि भाई कतिया गणाए गरीब है, को रुपया ना दे सकता तो भाई उसका काम हम फ्री में भी कर देंगे। अगर को भाई सोनीपत का है और कति नू है कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन रुपया उस दौर है नहीं वकील करना भाई, तो मैं लड़ूंगा उसका केस और फ्री में बिल्कुल। अगर को कतिया गरीब है तो भाई ठीक है ना, तो उसका फ्री में मैं लड़ूंगा केस। तो उसने सामान ले लेते, सामान लेने के बाद अपना मिलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और भाई मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया व्लॉग के साथ, और साथ की साथ में इलीगल हेल्प की भी वीडियो बनाता रहूँगा, तो एंजॉय करो। और बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों।